भी बहुत ज्यादा फार्ट आती है, बहुत ज्यादा बदबूदार पाद आती है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं आप, रोक रोक के रखते हैं या रोक रोक के बड़ी मुश्किल आपको गैस बनती जाती है, पेट फूलता है, फिर बदबूदार आपके पार्टनर आपके घर वाले आपको बहुत उंगली ये है ये इसने किया, यही है वो, यही है वो, यही है वो बदबूदार आदमी इंसान व्हाटएवर। सो आपको क्या करना चाहिए? देखिए कुछ सलाह है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है जो आप अपनाएंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। ऑब्वियसली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1 चीज इसमें आएगी पानी। जी हाँ, नंबर 1 चीज इसमें आएगी पानी, क्योंकि जब स्टमक में के नीचे इंटेस्टाइन्स में खाना स्लो जाता है नीचे, तो वो फर्मेंट होता है और गैस बनती है, और ये गैस कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर तो नहीं आ सकती, राइट? सो फर्मेंट फर्मेंट थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होने देना, इसलिए पानी खूब होना चाहिए। खाना खाने के 2 घंटे के बाद अच्छे से पानी पीजिए, 2 घंटे के बाद, याद रखो, खाना खा लिया, 2 घंटे हो गए, 2 गिलास पानी, 2 घंटे हो गए, फिर 2 गिलास पानी, 2 घंटे हो गए, फिर 2 गिलास पानी, ऐसे करो, सीरियसली, कोई बात नहीं, दिन भर में 12 से 14 गिलास पानी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आपको पाद नहीं आएगी, आपको फाट नहीं आएगी। फिर क्या करें, खाना खाने अगर पानी है, पानी के बाद एक दो दूसरे बार पानी के बाद आपको फाइबर बढ़ाना पड़ेगा, आपको फाइबर लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, आपको फाइबर यानी खाने में जो फाइबर ले रहे हैं ना उसको थोड़ा मीडियम रखना है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स, 2, 3, 4 वीक्स तो बेटर रहेगा, अभी नहीं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन फाइबर चाहिए। फाइबर किससे, फ्रूट से, फ्रूट्स विल बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर फॉर यू, सैलेड विल बी सेकेंड, सेकेंड में सैलेड थोड़े कम, फ्रूट थोड़े ज्यादा, ऐसे चल के चलिए, अगर फ्रूट्स मना है तो सैलेड में खा लीजिए, पकी हुई सब्जी खा लो, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड चीज जो आपको करनी है वो है खाना खाने के बाद कतई भी लेटना मत, 1 घंटे तक लेटना मत, रैदर खाना खाने के बाद में थोड़ी सी एक्टिविटी रखिए, चलिए फिरिए आधा घंटा के लिए, बहुत जरूरी चीज है ये, खाना खाने के बाद थोड़ा सा चलिए फिरिए आधा घंटा के लिए, आप ठीक रहोगे। और ऑब्वियसली वो बाकी की चीजें जो बहुत बेसिक है वो फॉलो करनी है आपको, स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट, डबल बार चबाना है खाने को, बिल्कुल पीना है ताकि वो लिक्विड हो जाए मुंह में ही, और आपको पानी तो बता ही दिया, नींद, स्ट्रेस, एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है, स्ट्रेस कम रखना, इन सब से आपका एक्चुअल फार्टिंग प्रिंसिपल्स ठीक हो जाएंगे। बाकी अगर फार्ट के कोई रीजन, एक्चुअल कॉज है, कोई अल्सर्स हैं आपके कोलोन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपको इरिटेबल बाउल, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, तो उसके लिए अलग से इलाज है, लेकिन फिर भी ये बहुत काम आएंगे ये सारे पॉइंट्स। और आपको करना पड़ेगा अपना स्ट्रेस बस्टिंग, स्ट्रेस बस्टिंग के लिए आप करेंगे नींद, योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग। जी हाँ, जितना लंबा डीप बोला उतनी ही लंबी ब्रीदिंग करनी है, इंस्पिरेशन, 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 मैं हूं पता है मुझे, लेकिन आप भी इंस्पिरेशन करिए, इंस्पिरेशन करिए, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन लंबी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका फाट ठीक होगा। दैट्स हाउ यू डू इट, एंड यू हैव टू एक्सरसाइज, 10 मिनट, 5 मिनट एक्सरसाइज करिए, थोड़ी सी करिए, बहुत करिए लेकिन करिए, राइट? तो फॉलो ऑल दी स्टेप्स एंड यू विल बी फाइन।